कायनात की हर शय महबूब की निगाहों में है। अल्लाह ने महबूब को वो निगाहें दूरबीन अता की है। इकबाल कहता है, फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू बी नींदाए माफिस सुदूर, तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी जानती। सुभान अल्लाह। मजलसे रसूल लगी है, हुजूमे आशिका है। एक सहाबी जिनका नाम वाबिसा बिन माबद रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो आए और बैठ गए। हुजूर फरमाए, उदनो या वाबिसा, वाबिसा दूर बैठे हो, नेड़े आ जाओ। उठे और करीब हो गए। फरमाया, और नेड़े आ जाओ। हजरत वाबिसा और करीब हो गए। फिर फरमाया, वाबिसा और करीब आ जाओ। हजरत वाबिसा कहते हैं, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। लाल, लाल। जब इतना करीब हो गया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा, जी हुजूर, मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा, जो पूछने आए हो पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? डिठे वरक कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जड़ा, उन आशिकां असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका दिती तुसा होर डिठा असा होर। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। इकबाल कहता है, तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा? आ अरे नादान, जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने, तू अभी तक कुएं में ढूंढ रहा है, वो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है। अल्लाह। तो कहा, वाबिसा, जो पूछना चाहते हो तुम पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आया? अर्ज की, हुजूर अगर आप बता दे फिर तो कमाल हो जाए। फरमाया, सुनो, तुम खैर और शर के बारे पूछने आए हो, अच्छाई क्या है बुराई क्या है? हुजूर, यही मेरा सवाल था। कहा, इसका जवाब मुझसे लेना या अपने आप से लेना? अर्ज की, जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता? फदारा बाला सदरही फकाल इस्तफ्ते मिन कल्बिक। हुजूर ने तीन उंगलियों को जोड़ के हजरत वापसा के दिल वाले जगह पे मारा और फरमाया, इस्तफ्ते मिन कल्बिक, ये अंदर ही मुफ्ती बैठा इसे ही पूछ ले, यही बता देगा खैर क्या है और यही बता देगा शर क्या है। फरमाया, शफाअती ले अहलिल कबायर मिन उम्मती, मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनागारों की सिफारिश करूंगा। वो किसी ने पढ़ा जिसका मफहूम यह था कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों। तो मैंने कहा कि यूं ना पढ़ो, मुकदमा की बात हो रही है तो यहां वकील एडवोकेट के माना में है, वकील निगेबान के माना में भी होता है, उस माना में तो हुजूर हमारे वकील हैं, लेकिन इस माना में हुजूर हमारे वकील नहीं है। क्योंकि जो वकील होता है वो जज को कहता है कि मेरे मुवक्किल ने यह जुर्म नहीं किया, उसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, और अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर सजा हो जाती है। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने यह जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए, हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफी हैं। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने यह जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए, शफी कहता है सब कुछ किया है मेरा आना देखा जाए। अल्लाह, हुजूर वकालत नहीं करेंगे शफात करेंगे, और कैसा मंजर होगा, मेरे इमाम बोले पेश हक मुजदा शफात का सुना, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, वसाते दी है खुदा ने दाम ने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर के कमालात जिसको सारे जानते हैं, उंगली उठी और चांद के टुकड़े हो गए, सूरज पलट के असर के वक्त पे आया, और सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, और पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा है, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा का। सुभान अल्लाह। ये कहा जाता है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं नबी चाह ले खुदा किबले बदल देता। बनू सलमा की मस्जिद है, जोहर की नमाज है, दो रकतें अभी पड़ी गई थी, दो रकतें अभी बाकी थी कि खातरे आतर में बात आई कि किबला बदल जाए तो क्या कू, फौरन ही तायरे सिदरा नशीन हाजिर हो गए और कहा, कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस्समा फलनवल्लयन्नका किबलतन तर्दुहा, महबूब प्रोग्राम बन गया है तो अभी रुख फेर लो, या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो ले। चूंकि हमने तो नमाज का वक्त भी बदलना हो तो एक दिन पहले बताते हैं, कल से नमाज जोहर 2:15 बजे होगी, अगर उसी दिन बदल दें लोग तो गले को आएंगे, हम तो आए हैं 2 बजे के हिसाब से जी। अब 15 मिनट और इंतजार करें
नमाज का वक्त बदलना हो तो एक दिन पहले बताना पड़ता, यहां तो किबला बदलना था। एक नमाज ही पहले बता दिया जाता, कहा नहीं महबूब अभी रुख पे हो, या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो ले, कहा मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी हो। नी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, नी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, किबला उदे बनिया साइन जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फां। तो रुख फेर दे खुदा किबले बदल दे, कोई हद है उनके उरूज की, बला गल ओलाबे कमाले। और मेरे इमाम बोले खिरद से कह दो के सर झुका ले, खिरद से कह दो के सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहां खुद पड़े हैं जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमान इमकान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहित की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बला गल ओलाबे कमाले। वाह, महबूब वो हैं जो खुदा के भी महबूब, अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब है खुदा रखते। क्या बात, हमारा महबूब गलियों में घूमने वाला कोई शख्स नहीं है, ये रत जगह हम किसी दुनियादार के लिए नहीं काट रहे, हमारा महबूब वो है जो खुदा का भी महबूब है। क्या बात, ये मायार है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उस जमाल जहां आरा के वस्फ को बयान करते हुए कहते हैं, कल कमर लैलतल बद्र लम अरा क़ब्लहू वला बादहू मिस्लहू। क्या पूछते हो, चौदहवीं रात का चमकता हुआ चांद था हुजूर का चेहरा। फिर कहते हैं, नहीं नहीं हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हजरत एहसान बिन साबित पास खड़े थे, कहा देखते कैसे, किसी मां ने जन्म दिया होता तो देखते, खुदा ने उस सच्चाई पानी छड़िया जिदे विच मुहम्मद नू टालिया सी, खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। चेहरे का हुस्न तो चेहरे का हुस्न रहा। हजरत मैमूना बिनते करदम रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज का मौका था और मैं अपने वालदे गिरामी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, तो हुजूर नाका पे सवार थे, ऊंटनी पे सवार थे, तो मेरे बाप ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई मसला पूछा और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हुजूर के चेहरे को देखूं, तो मैं हुजूर के चेहरे को तो ना देख पाई लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियां, पांव की जो उंगलियां थी मैंने उनको देखा। फरमाते हैं, फमा नसी तो फी मा नसी तो तूला इसवा, कहती हैं आज तक हुजूर की उंगली का वो हुस्न ही निगाहों से हटता नहीं है। यार जिसके कदम इतने सोने हैं उसका चेहरा कितना सोना होगा। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। क्या बात, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से भरकर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। क्या बात, कल कमरे लैलतल बदरे लम अरा कबलहू वला बादहू मिस्लहू। रिवायत करते हैं हजरत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं लैलतुल इदहियान थी, चौदहवीं रात का चांद चमक रहा था और पूरी आबोताब के साथ दमक रहा था और हुजूर लाल धारीदार चादर ओढ़े जलवा फिराज थे। मैं कभी हुजूर को देखूं कभी चांद को देखूं, फायजा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर, फिर मैंने फैसला किया चांद नहीं मेरे हुजूर ही सोने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।